अभी लौटना के एंट्री बहुत तगड़े भी वाली है। एक नंबर। अब बोलो दोबारा, अब बिल्कुल सही फोटो आई है आपकी। एक नंबर। दिक्कत हो तो भाई हाथ जोड़ के माफी, अपना खुश रहो। भाई राम राम। और जैसा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया कि भाई हम अपने स्विफ्ट में जो है ना बैटरी डाल रहे थे, फ्यूजन में डाल दिया, तो मोनो दिखाने वाला था उतने में इस्माइल भाई आ गए और इस्माइल भाई हमारे बात दिखते हैं। तो भाई इसमें जो है ना हम डाल रहे हैं मसाटे सीरीज का 1500 ग्राम, जो हमारा 12 बहुत अच्छा और बहुत तरीके से चलाएगा। मोनो थोड़ा सा बड़ा है, आज डी ग्लास चल रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे रहते हैं, ये भी खैर डी ग्लास ही लेकिन थोड़ा सा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। इसको भाई सीट नीचे डालेंगे जहाँ भी डालूंगा, और इसके कनेक्शन जो है वो करेंगे भाई इस बैटरी। तो अब काम हो रहे थे आराम से, काम हो गया ना। और राशन देखो, ये देखो फेंटा देखो, हाँ देखो। अच्छा, बाइक की गाड़ी बता रही है, सिलेंडर डालनी है और बैटरी डालनी है। अब मजा आ गया, अब सही बज रहा है, बहुत परफेक्ट। चलो परफेक्ट होना चाहिए बस, बिल्कुल आग लगा दी, आग फाड़ो है। हाँ जी, आगे मजा। एक नंबर। अब बोलो दोबारा, अब बिल्कुल सही फोटो आई है आपकी। एक नंबर। चलो भाई बहुत बढ़िया, ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कत थी भाई, सही कर दी। इसके नाका में तो प्रोसेसर था ना, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत थी, वायरिंग की तो वो ठीक कर दिया, बात खत्म, बढ़िया भाई। थार जो है ना, इसका बोनट एक साइड पूरी कंप्लीट हो गई है, खाली ये आर्च जो है मतलब शीशे वाली, खाली एक ये बाकी है इस साइड से। ग्रिल भाई चेंज हो जाएगी 10 मिनट में, इसमें पेंट वेंट नहीं कराना, नई ग्रिल आ रही है वो डल जाएगी। चिराग इधर भी होगी, दिखा मुझे लगा खाली फेंटर बच रहा, दिखा है ना, का लाइट वाला बच रहा है। अच्छा एक छोटा वाला, हाँ यहाँ तो रैप आराम से चढ़ जाता है, रैप की टेंशन नहीं, पीपे थोड़ा परेशान करती है। अच्छा डिग्गी भी कर दी, हाँ मैं तो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, मुझे लग रहा है रोटी खा खा दिखा है। अच्छा ओहो, बिना रोटी के कर दिया चलो, तो रोटी खा लेता तो एक छतपत भी कर देगा ही रैप। गलती इसकी नहीं देखा, इसमें बम्पर इसमें नहीं, छत इसमें नहीं, तो छोटे छोटे पीस थे, जल्दी हो जाते हैं लेकिन टाइम तो फिर भी लगता है। इसमें फिटिंग खोलने और बांधने में ज़्यादा मेहनत है, इसी बात के पैसे हैं, नहीं तो इसमें रैप इतना ज़्यादा नहीं लगता जितना और गाड़ियों में लगता है। और मतलब बम्पर है, पिछले बम्पर है, छत है, साइड भी है, रनिंग बोर्ड भी है, तो रैप तो हमारा ठीक ठाक बच गया होगा इसमें। लेकिन ये कलर ऐसा है कि हमारा यूज़ बहुत कम आएगा, इतना बच गया है ना। हाँ को नहीं, कोई कर देंगे किसी को, कोई कोई अच्छी आड़ी तेड़ी गाड़ी आएगी उसको कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। लो जी एक थार ही कर देंगे भाई, किसी था किसी मेरे भाई को अगर ऐसी नीली करानी हो ना भाई बता देना, बहुत अच्छे हेडो कर देंगे। जो इस्माइल भाई वाली थार थी ना, इसमें जो थी खाली एक नाकामीची का जो प्रोसेसर दिख रहा है आपको, इसमें खाली एक वायरिंग की दिक्कत थी छोटी मोटी, वो भी यहाँ से थी, मतलब या तो कुछ किसी ने छेड़छाड़ी करी होगी या कोई तार वार हिल गया होगा, धचकी वचकी हुआ, क्योंकि भाई जो है ना ऑफ रोडिंग ठीक ठाक करते हैं, तो इसका आप एक बार आउटपुट सुन लो भाई, मुझे तो बढ़िया लग रहा है, बाकी आप देखो कैसा लगेगा। हम तो आजकल ऐसी व्लॉगिंग करते हैं भाई, मजाक मजाक में, देखो बस थोड़ा अच्छा बजना चाहिए। सारा सेटअप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बज रहा है और बहुत बजट में बज रहा है। देखो अगर हम इसमें कोई भी चार चैनल या कोई भी मोनो अगर हम ढंग का लगाते, कोई भी अच्छी सी लगाते, तो भाई जो बजट जाता है ना 1.5 लाख का, ये बजट 1.5 की जगह चला जाता है फिर 2.5 लाख रुपए का। तो हमने बूफर भाई का अच्छे यूज़ करे, क्योंकि भाई थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब राजस्थान 700 किलोमीटर के आसपास से आते हैं, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कोई भी हैंडमेड देने का। कोई बूफर बुरा नहीं है भाई, सब बड़े वस्ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ गई भाई को,
तो बेकार में 700 किलोमीटर भाई आना या पोर्टर करना, तो भाई वो बुफर इतने भारी भारी रहते हैं कि पोर्टर करो। कोरियर भी आपको ना भाई कई कई मतलब 1,800 रुपये लग जाते हैं भाई, कोरियर का भी कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया चीज़ है, डंकी चीज़ दे दी तो ये खराब होनी नहीं, क्यों हमने इसकी सेटिंग ऐसी अच्छी कर रखी कि आवाज़ फुल पे भी कर देंगे ना तब भी खराब नहीं होने। मैंने फुल पे कर रखी थी आवाज़ और बहुत अच्छी आवाज़ कर रखी, कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़िया चल रहा है। घर पहुँच चुके हैं और ब्रीजर का जो है ना एक बूफर की फिफ्टिंग हट गई है, तो भाई इसे खोलते हैं और रोहित भाई के पास भेजेंगे, ठीक होकर दोबारा आ जाएगा, फिर अपना दोबारा फिर इसमें बैंग वैंग लगाएंगे, फट्टा वट्टा लगवाएंगे और इसका काम करेंगे फिर तरीके से। तो भाई थार का जो रैप का काम था ये तो हो गया हमारा सारा कंप्लीट। अब हमारा ऋतिक जो है इसको यार ये रह गया भाई अनुज, ये खोलना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसा तो नहीं बात बनेगा, ये तो बुरा लगेगा देखने में। चलो पेंट करा दो, इसका भी कुछ करेंगे, नहीं पेंट नहीं कराएंगे, जितना चिपकेगी उतना चिपका देंगे। बहुत बढ़िया, याद कर रहा हो कोई हमें, सही है भाई, सारी गाड़ी कंप्लीट अपनी है। तो भाई करण ने जो है अपनी गाड़ी में 15 लाख रुपए का सेटअप लगवा लिया, अंदर बैठा डिस्कस कर रहा उस्ताद गेल कि अब मैं इसमें 1500 रुपए खर्च करूँ या 18। तो ये बहुत परेशान है, या फुकन दो। बहुत मोटा चेहरा था इस आदमी, बीच में चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो है ये जितनी सारी गाड़ी खड़ी है ये सब में काम होने आया हमारे पास, ऑटो में भी आया ना भाई, हाँ ऑटो में भी आया है, और ये साढ़े ऊपर बैठ कर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं साढ़े। और बता तो तुम ठीक है, तुम क्या इसको मैच कर दूँ ऐसे तेरे घर, अरे यहाँ किसने कंप्यूटर धर दिया। तो भाई पोलो साइड में रख दिया सीपीयू, और करण क्या हाल है, 1500 लगे 1800 लगे 1500 लगे 1800 लगे। अरे मैंने कहीं सेटिंग बैठा रहा, तू ये बता 15 या 16 वो 18 हो, महंगे में बातचीत कर रही है। अच्छा देख मैंने सीपी मंगा लिया पोलो के लिए, पोलो के लिए सीपी, हाँ देख ले अभी इसको यहाँ से बटन दबाना है। तुमने गलत बोल दिया, जनरेटर बोलो, जनरेटर नहीं है ये, सीपी गलत बोल दिया, यहाँ तो करंट बनेगा। गौतम कहाँ हो गया भाई, कहाँ जा रहा है, वैगनर की बेस ट्यूब बजाने जा रहा है। वैगनर तो है नहीं बाइक पे आराम के लिए, यूट्यूब मनी भाई साहब 74,000 की खरीदी है पूरी, चीता ही है, चीता ही कहते हैं, हाँ भाई चीता ही कहते थे इसे, शेर पूरे ऐप करा है। तो भाई मैं बैटरी वैटरी लगा दी, अपना सिस्टम हो गया चालू, शॉप बनने की तैयारी चल रही है, और सुना घने दिन में देखा ठीक है, और भाई क्या हाल भाई, करण कह रहा भाई ऐसी नंबर प्लेट बनवा लो जैसी अक्षय ने बना रखी, हमने बना रखी अपनी ऐसी ऐसी, छोड़ो रहने ओए ओए, मैंने कहने का यार नंबर हमारे का बुरा, हमारे पूरा सुनो 1101 रुपए दिए पूरा करने दान में, 0111 है वो, हाँ ये बात, हाँ एक चल रहे हैं, 000 चल रहे हैं, सात एक कौन गिन रहा है यार, सात एक पीछे करो हो जाएगा कह रहा है, या तो 0007 है या 7000 है, अगली गाड़ी हो, सारी गाड़ी ऐसी भाई बहुत जा रही है कितना। चलो भाई इसकी सेटिंग वेटिंग होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बार जब इसका सारा काम हो जाए कंप्लीट। ठीक है i20i में मैं ना आपको एक सेटअप दिखाता हूँ, अब भाई ने जो है कंपनी वाली सीएनजी लगा रखी, कंपनी वाली नहीं मतलब आफ्टर मार्केट सीएनजी लगा रखी है, 4 DB की मिड लगा रखे हैं, DB के 8 मीटर लगा रखे हैं, और एक जूनियर लगा रखा भाई। तो इसमें जो है ना थोड़ी सी वायरिंग भी थोड़ी सी ख़राब है, भाई ने अपने आप ही कर रखी है जैसी भाई कर सकते हैं, और स्टैंड बना के बकायदा सब काम कर रखा है, लेकिन पेटी थोड़ी सी छोटी है और ये बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही। तो अब इसकी सेटिंग देखेंगे तरीके से, या फ्यूचर में इसको अपडेट करेंगे, भाई से हमारी बात होगी। अब देखो एक 2-4 दिन में भाई जब भी आएंगे तो उसमें एक अच्छा चार्ज देना, क्योंकि जो जितने भी चारों दरवाजे हैं इसमें भाई ने स्टॉक ही डल रखे हैं, वो स्पीकर जो कंपनी से आते हैं, तो मैंने कहा ये काम नहीं चलेगा भाई, इसमें 4 सिलेस्टर 1 कैम और बाकी जो सारी चीज़ आपकी सारा यूज़ कर लेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ी तो चलाएंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं चलाएंगे भाई। देखो इतने कूड़े रस्ते पे गूगल्स लगा लो, गूगल दिखा था एक बार जो ड्रॉइंग दिखा रहा था मजाक फट गया, वो दिखाई जिसमें कोट वाला नाच रहा है, हाँ कोट वाला डांस दिखा था आपको, हाँ दिखाओ ब्लॉग में दिखा, अभी लौटा की एंट्री होगी बहुत फुल बोल रही है, सिस्टम है भाई,
आलो आलो भाई, ये भाई प्रतीक वैसला भाई हमारे ये इनका चैनल है भाई प्रतीक वैसला व्लॉग्स के नाम से, गाड़ी के सिस्टम सिस्टम ये डालते हैं भाई। हम कौन, हम तो खामा खाए जी क्यों भाई। गौतम तेरी बुरी होगी आज, बुरी कुछ बात चल भी रही है। कहाँ जा रहे हैं आज, कहाँ जाओगे बताओ। मछली बनेंगे मछली और भाई अभी मछली कह दे फिर हमको तो फार्म पे। चलो भाई फार्म पे चलो, अक्षय तू भी चल हमारे घर। है मर ली मछली, ब्याह हो गया अब यार, अब मछली ना बनते अब शेर बनते। क्या कर लो हम अक्षय ना, अक्षय लोहिया 0007 नहीं 7000 मारो फोन आवाज पंडित जी को। तो भाई थार के अपनी जो फिटिंग थी वाला वाला वह कंप्लीट हो चुकी है और इसके सिर्फ एक या दो पार्ट ऐसे हैं जिसपे भाई रैप नहीं बैठेगा। जैसे एक ये पार्ट है भाई, इसमें ना पीपीओ बैठती है ना रैप बैठेगा, और ये जो हिंज है ये भी नहीं बैठेंगे। एक दो चीज़ हो रहा है, बाकी तो हमने जितने हम कर सकते थे भाई हमने सारी गाड़ी रैप कर दी। इसकी ग्रिल अभी आ रही है वो ब्लैक हो जाएगी आगे से, तो आगे से भी सही हो जाएगी और इस पर रबड़ वबड़ चढ़ जाएगी भी सर। ये तो फिटिंग का काम है, फिटिंग बना है और इसकी डिग्गी देखते हैं भाई एक बार। और यहाँ हमें भाई लॉकिंग टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बिल्कुल किनारे से लेके और इसको कट कर दिया है। तो भाई अक्षय की गाड़ी में जो है ना कुछ काम नहीं है ज़्यादा बड़ा, खाली इसके स्पीकर वायर चेंज करने चारों गेटों के। अरे आ जाओ ना फटाफट। हेलो, अरे नावा ने हेलो मार गया पंडित जी, मार जल्दी देख देख नावा ने कच्चा बदन लेके आना, तीन कच्चे लाने की हो रही है ठीक है। बहुत बुरी हो रही है ना। अरे अब तो पंडित जी समझ गए ना, इनको अब तो ऐसे चिल्ला रहा, अब थोड़ी देर पहले समझ अपने लेनी देनी करती पंडित जी की। तो भाई अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल नहाने धोने और वो चीज मेरा ब्लॉग बनाने में बिल्कुल मन नहीं है। तो जितना भी काम था वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। और बात करें भाई थार की, तो इतने हम घूम के आए ना क्योंकि ब्लॉग बन रहा है बाद में, और वो थार जा चुकी थी क्योंकि रात के बज रहे थे 12:01 और मैं घर चला गया था रात को 11 बजे के आसपास। तो ये अगला दिन है तो ब्लॉग एंड कर देते हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा, एक चीज़ हो रहा भाई मार्केट में क्या हो रहा है, बल्कि मेरे को किसी से गिला शिकवा नहीं है लेकिन ऐसे मुझे आवाज़ आ रही थी भाई वो खिलस रहा है, ये खिलस रहा है, वो फूक रहा है। तो भाई मेरी सुनो बात, भाई मैं तो मिलने जुलने वाला आदमी हूँ, अगर किसी को दिक्कत है कोई मुझसे नाराज़ है तो भाई फ़ोन कर लो मैसेज कर लो यार, परेशान मत हो भाई। कोई दूसरा बंदा बता रहा है कि भाई वो आपसे ऐसा कर रहा, तो भाई देखो मार्केट में जब आदमी काम करता है ना तो वो उससे चार आदमी अच्छे मिलेंगे, चार आदमी बुरे मिलेंगे। तो मैं ना सबके लिए अच्छा बन सकता ना मैं सबके लिए बुरा बन सकता, तो बहुत छोटी सी बात है भाई, जो समझना चाहता समझ जाओ। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं भाई, सब बड़े मजे रहो खुश रहो, भगवान ऊपर वाला उन्हें खुश रखे मुझे भी खुश रखे। तो भाई गिला शिकवा मत करो, कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को आवाज़ मार दो, मैसेज कर दो, कॉल कर लो भाई, और अगर कॉल नहीं कर सकते मैसेज कर दो मैं कॉल कर लूँगा भाई, छोटा नहीं बनता कोई भी। अपना खुश रहो भाई, बढ़िया रहो, टेंशन मत लो, जिंदगी में काम आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा मत आ, मुझे काम आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो नील लूँ, आपकी नज़र हम नील है तो भाई हम नीले, हम नील भी खुश हैं। और नील में भी इतना काम है कि ना हमें रोटी खाने का टाइम मिलता है ना हमें ब्लॉग बनाने का टाइम मिलता है। देखो पूरे दिन आज काम करा था, पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैंने आपको, तो बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। तो मैं काम ऊपर वाला हमें ठीक ठाक दे रहा, टेंशन नहीं है। तो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, किसी को दिक्कत हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी है, अपना खुश रहो कहने का मतलब ये। तो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी, मेरा काम आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने अच्छे में, तब तक ले राम राम, जय बाबा।